हमें जो अम्ब्रेला की मेन कटिंग है, मेन फैब्रिक की, इस तरीके से चार तय बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे फैब्रिक है, ये हमने चार तय बना ली। 60 इंच का पन्ना है तो आराम से हमारा पूरे घेरे का ये निकल जाएगा। इससे कम रहेगा मैम तो फिर ज्वाइंट लगेगा। हाँ, तो फिर ज्वाइंट लगेगा इसमें। अभी तो दोनों तरीके से बता दिया ना मैम ने। अभी देख लाइनिंग में, और इसमें एक चीज और देखो, जो इधर ओपन साइड है उधर ना निशान लगा के उस साइड निशान लगा लेंगे, ठीक है, बंद साइड वाली, तो फिर पूरा अपना घेरा बन जाएगा। हाँ, कभी भी ओपन साइड नहीं, खुले मत लगाना, उधर की साइड यूं पलट के बंद साइड अपने साइड रखेंगे। दीदी खींचना सी, तो जो अब हमारा घेरा हो जाएगा ना पूरा डबल हो जाएगा, ठीक है, एक ही साथ कट। हाँ, एक ही साथ कट जाएंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखो, यहाँ से कॉर्नर से हम अपनी लेंगे, सबसे पहले लेंथ, लेंथ लेंगे, कमर वाली लेंथ। हाँ, लेंगे कमर। देखो पहले हम निशान लगाते हैं ऐसे ही, जैसे हमारा है 34 है, 34 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक अपना नॉर्मल निशान लगाएंगे। अब हम इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे, कॉर्नर से, कॉर्नर से पकड़ेंगे। यहाँ कितना आया हमारा, 4.5। हाँ, ये हमारा आ रहा है 4.5 के, 4.5। अब ये भी हम 4.5 करेंगे इक्वल, ये भी हम 4.5 करेंगे, ठीक है। अब हम इसका राउंड घुमा के देखते हैं, कम आ रहा है तो हम ये नीचे की साइड करेंगे, ये हम करेंगे यहाँ से, ये कमर का घेर ले रहे होगी। हाँ, यहाँ पे भी करेंगे हमें, मतलब बेसिकली नीचे की लेंथ ज्यादा, यहाँ पे भी करेंगे 6 इंच पे, ठीक है। तो अब हमारा ये कितना आ रहा है, ये आ गया 9.5, 9.5-10 के राउंड आ गया, ये हमारा अंदर मार्जिन रह जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये चीज नाप के ऊपर का लंबाई मेन हमें मतलब कमर का वो देखना है ना, ठीक है। अब हमें अपनी प्रॉपर लंबाई लेनी है, जितना भी हमारा योग कटिंग होता है, ठीक है। अब इसकी हमें फिक्स लंबाई लेनी है, जैसे लाइनिंग को हम 1-2 इंच छोटा कटिंग कर देंगे, पर जो हमारा ये रहेगा इसको हम प्रॉपर फिक्स लेंगे। अब हमें 53-54 जो भी लंबाई चाहिए, ठीक है, 53। सबसे पहले हम योग का निकाल लेंगे, 14.5 है प्रॉपर अपना योग का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लंबाई देखेंगे कितनी है। अब हमारी है 53 लंबाई, ठीक है, उसके बाद हम फोल्ड का रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच क्यों रखेंगे, 55 ही लगा लो पूरा, हाफ इंच हमारे यहाँ स्टिचिंग में जाएगा और 2 इंच नीचे मोड़ने पे 1 इंच तक यहाँ स्टिचिंग में जाएगा, बाकी हम फिर इसकी छटाई भी करेंगे तो हमारा परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा ही तो हम यहाँ पे करते हैं 56, 3 इंच की भी हम ले लेते हैं ताकि छटाई भी निकल पूरा फिक्स करके। अब हमारे यहाँ पे 56, ठीक है। अब हम पूरे राउंड पे इसी तरीके से निशान लगाए। अब हमारे दीदी को दे देना ना आगे के पास, एक मिनट, यहाँ पे 56 है, पहले आप ये भी चेक करेंगे कि यहाँ से भी सेम और वहां तक आपका 56 आ रहा। बेटा देखो वहाँ, देखो एक बार इंची टेप पे, नहीं मैम 54 आ रहा है, मतलब हाँ 54 आ रहा है ना, और हमें कितनी 55 आ रहा है, तो फिर हम हल्का सा बिल्कुल छोटा सा वहाँ पे ज्वाइंट लगे उसको, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसलिए बोलते हैं अगर इस तरीके का घेरा है, बड़ा घेरा है, तो हमें अभी हमारे पास है 5 मीटर के अराउंड कपड़ा, ठीक है, 5 मीटर के अराउंड, 5.5 मीटर, तो हमें अगर जब भी हम इस तरीके से डबल घेरे का हमें कभी भी बनाना है तो हमारे पास 6 मीटर कपड़ा इस इसका जरूर होना चाहिए, नीचे नीचे, ठीक है। बिना ज्वाइंट का बनाना है और बड़े घेरे का बना तो 6 मीटर आपका नीचे नीचे का रहेगा। अब हम लेंथ लेंगे 14.5 इंच ऊपर निकाल के, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा है ये 56, ये होगा, ये बिल्कुल हमें आराम से और प्यार से निशान लगाना है 56। अब यहाँ पे भी रितु आप लगाते जाओ 56 पे, अब थोड़ा और आगे पकड़ो 56 बेटा, और ध्यान रहे कभी भी आप जब भी रुको बेटा, जब भी आप निशान लगाओ हमेशा ये इंच टेप आपका इस तरीके से सीधा रहे रखना है, ठीक है। 56, अब इधर भी 56, नीचे खींचे खींचे थोड़ा, हाँ बिल्कुल टाइट आपका इंच टेप, ठीक है। अब 56 रिंकी लगाओ टाइट दीदी, इधर देखो ये बड़ी चीज, हाँ ऐसे स्ट्रेट रखनी है, ये झोल नहीं आ रहा इंच टेप पे बेटा, आप कर रहे हो उनको खींचने दो ना, आप बीच में से मत छेड़ो। 56, अब ये पूरा अपना बड़े घेरे वाला बनेगा 56,
ये पूरा यहाँ हल्का सा हल्का सा वो नीचे नीचे ज्वाइंट आएगा। ये भी क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास 6 मीटर फैब्रिक है, ठीक है। अगर 6 मीटर आपके पास पूरा फैब्रिक है तो आपका पूरा घेरा बनेगा 6 मीटर, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे राउंड से। दिख रहा है मैं उनको, हाँ पता नहीं चलने लगेगा। अब ये राउंड पूरी कटिंग करते हैं। यहाँ से जॉइंट लगेगा, कितना प्यारा लगेगा ना गोल गोल। ये इसी में आ जाएगा दीदी। अब ये वाले भी हम यहाँ पे कितना मार दीदी देखना, एक ये वाला आएगा, 4 पेयर है ना ये कोना, ये भी हमारी। इसको एक चीज और देखो, इधर देखो, ये चीज हमेशा ये वाली जैसे कोने में से साइड में से लटकता है ना, जब हम कोई भी अम्ब्रेला पहनते हैं तो आपने देखा होगा नीचे से साइड से लटक जाता है, जैसे ये वो में होता है। हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंची और नीचे लेके तब हम डाउन कटिंग करेंगे 1 इंच की, ठीक है। यहाँ से सेंटर से और हल्की हल्की देते हुए, देखिए चोच ना निकले ना। अब हमारा ये है साइड से जो है, साइड से लटकता है वो चीज नहीं लटकेगी कॉर्नर, ठीक है। अब हमारा वहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे, कितना होगा मुश्किल से। अब ज्वाइंट लगा ये वाला है, उसमें कम ही लग रहा था ना, यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो अपना देख लेंगे। अब देखो ये कॉर्नर ही है, चारों में लगेगा तो चार अपने ये है, चार है ना मैम, इसी में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 55 कुछ था ना, इसमें फिर स्लीव भी निकाल लूंगा। नीचे कपड़ा करना, नीचे वाले के बराबर ही रहते हैं ना, कैसे काटेंगे। अभी देखो यहाँ से, अब हमें दोबारा से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से ऊपर निकालो, कितना निकालेंगे नीचे का बताओ, 14.5, ठीक है। 14.5 के बाद अब यहाँ पे हमारा 56 यहाँ आया है ना, ये निशान लगाएंगे हल्का सा, एक मिनट उसमें और निकालो, हाँ इस तरह से ये 56 हो गया, हमारा हल्का सा ज्वाइंट लगेगा, ठीक है। अब इसकी छटाई और अच्छे से आप किसी और कर दो, आप कर दोगे ये करने वो, तो सिलाई लगाने के बाद दीदी ये वाला फैब्रिक अलग बनना, हाँ ताकि मैं इसकी सिलाई। अब देखो अब जो हमारा रहेगा अंदर ये घेरा इस तरीके से, लेकिन मेरी कमर सेम है, ठीक है। अभी नहीं, अब जब हम इसकी सिलाई भी लगाएंगे ना, तो सिलाई भी हमें ऐसे ही नहीं लगा, क्योंकि कोई भी चीज हम अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे वो ऐसे फैलता है, वो फैलता है। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बताएंगे किस तरीके से स्टिचिंग करनी है, ठीक है। बाकी बिल्कुल ये देखो, और आप घेरा भी देखो, बिना चुनट की हो रही है, कितना बड़ा घेरा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कटिंग करेंगे, समझ आ गया बेटा। वैसे ये ज्वाइंट भी नहीं आता अगर हमारे पास पूरा फैब्रिक होता तो, उसमें निकल गया ना मैम योक में, तो इसके लिए मैम 6 मीटर चाहिए। हाँ दीदी, आराम से 5.5 मीटर के ऊपर का फैब्रिक, 5.5 से ऊपर ही रखना है आपको, 5.5-6 मीटर का पन्ना होना चाहिए, फुल ऐसे अम्ब्रेला चाहिए, अगर 60-60 का पन्ना निकला। सबको समझ आ गया, अम्ब्रेला निकल सकती है, ठीक है। चलो नहीं दीदी, मुझे मैम इसमें स्लीव ना निकले, निकल जाएगा, निकल जाएगा। नहीं, इसी का लगा के दिखा अपना।